वेलकम टू डिशीज टू, आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की प्लेयर लिस्ट, जो कि इससे पहले मैंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की फॉरेन प्लेयर लिस्ट भी आप लोगों को दिया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन प्लेयर लिस्ट, और आगे जाके जब सारे प्लेयर साइन हो जाएगा तो आगे जाके एक फुल प्लेयर लिस्ट भी आने वाला है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो ऑफिशियली कॉन्फर्म हो चुका है इंडियन प्लेयर्स, जो कि आगे जाके 2020-21 में खेलने वाला है। तो उन सारे प्लेयर की एक लिस्ट बने और जो कि ऑफिशियल कॉन्फर्म है, नोटिस यूनाइटेड एफसी ने ऑफिशियली बोल दिया कि भाई ये प्लेयर खेलने वाला है। तो उन सारे प्लेयर की लिस्ट है, जो कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस वीडियो में कोई भी ऐसा र्यूमर्स नहीं या फिर कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं कि शायद खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी ऑफिशियली कॉन्फर्म हो चुका है उन प्लेयरों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। और जो कि फॉरेन प्लेयर लिस्ट है वो इस वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा, देखने को आप देख पाओगे। तो सबसे पहला जो आ जाता है गोलकीपर, जी हाँ, गोलकीपर जो है सुभाषिस रॉय चौधरी, जो कि एक बहुत अच्छा गोलकीपर है, इससे पहले भी खेला था। और उनका जो एज है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है आगे जाकर 2020-21 में वन टैक है, यानी कि अगर देखा जाए जो कि अगला सीजन है वो बेशक बहुत ही अच्छे से खेल पाएगा। नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं वो है वाइनी भैस, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है और आगे जाके 2020-21 तक कॉन्ट्रैक्ट है और आगे भी खेलने वाला है, ये भी ऑफिशियली अपडेट। जो भी प्लेयर बात करने चाह रहा हूँ वो ऑफिशियली कन्फर्म है। नेक्स्ट आ जाता है नवीन राभा, ये भी प्लेयर आगे जाके खेलते हुए हमें देखने को मिलेगा, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, यंग प्लेयर है और लोकल प्लेयर है। नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो है पोनी फेस, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है और इस प्लेयर को 2020-23 तक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा, आगे जाके हमें देखने को मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं नए प्लेयर आशुतोष मेहता, एक बहुत अच्छा प्लेयर है और इस प्लेयर को भी आगे जाके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की स्क्वाड में हमें देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की प्लेयर लिस्ट में हम मौजूद हो चुका है और आगे जाके देखने को मिलेगा, कन्फर्म अपडेट है। राकेश प्रधान, आप लोग जानते हैं राकेश प्रधान, इससे पहले भी बहुत ही अच्छे अच्छे खेल दिखाए आईएसएल में और ये प्लेयर आगे जाके 2020-21 तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में मौजूद रहने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, बहुत ही स्किल वाला प्लेयर मैं बोल सकता हूँ। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है सुराबुद्दीन मल्लिक, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है। हालांकि अगर बात करें ये प्लेयर जो कि इनकी खेल हमने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है बहुत अच्छा प्लेयर है। दीपू मिर्धा एक लोकल प्लेयर है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में अगर बात करें, जो कि एक लोकल प्लेयर है और आगे जाके इस प्लेयर को हमें देखने को मिलेगा। और ये जो प्लेयर है भाई 2020-22 तक देखने को मिलेगा भाई, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में कुछ अच्छा कर सकता है। इनका एंट्री जो है, मतलब अगर देखा जाए बहुत ही खूबसूरती से हमें एक वीडियो क्लिप में भी देखने को मिला था। नेक्स्ट प्लेयर आ जाता है लालंग माबिया, 2020-22 तक इस प्लेयर को हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है और इससे पहले भी इस प्लेयर के खेल हमने देखा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार खेल लेते हैं। नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं वो है रूपे नंगरम, एक बहुत अच्छा प्लेयर है और इस प्लेयर भी आगे जाके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आ जाते हैं रोशन जिले, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है और ये न्यू प्लेयर है, इस साल ही साइन हो चुका है, इससे पहले हमें देखने को नहीं मिला था। और ये प्लेयर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कॉन्फर्म लिस्ट साइन कर चुका है। नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं वो है निथोई मिताई, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, 2020-22 तक इस प्लेयर को देखने को मिलेगा और ये प्लेयर बहुत ही अच्छा प्लेयर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लालखाम माबुया, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में मौजूद है और आगे जाके 2020-21 तक इस प्लेयर को देखा जाएगा और आगे जाके भी हमें इस प्लेयर की खेल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो प्लेयर है सुहैर फीपी, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, 22 तक इस प्लेयर को हमें देखने को मिलेगा, यानी कि 2022 तक देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है। अभी तक अगर देखा जाए इंडियन प्लेयर, जो कि 14 इंडियन प्लेयर को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ऑफिशियली साइन किया, और अगर कुछ प्लेयर को साइन किया लेकिन उनका ऑफिशियल अपडेट नहीं है तो इस लिस्ट में नहीं। आगे जाके और एक प्लेयर लिस्ट आने वाला है, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का आखिरी प्लेयर लिस्ट होगा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का कॉन्फर्म फुल प्लेयर लिस्ट होगा।
की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक लेटेस्ट फ्रेश वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे लेटेस्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।